हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इन माय लेक्चर्स ऑन करियर सीरीज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एमबीबीएस। इस लेक्चर में मैं एमबीबीएस के बारे में बात करूंगा। और अपने को पता है नीट का एग्ज़ाम 2023 हो चुका है और जो टॉप मार्क्स लेके आएंगे बच्चे, दोज विल स्कोर गुड मार्क्स, उनको एमबीबीएस मिलने में आसानी होगी। और जो नहीं लेके आ पाएंगे, दे विल हैव टू गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और कितने बच्चे ड्रॉप भी करने जा रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बच्चों, वो होता है एनटीए द्वारा, नीट के एग्ज़ाम के द्वारा, जो कि हो चुका है 2023 का एग्ज़ाम। रिजल्ट शायद जून में एक्सपेक्टेड है। कट ऑफ भी अपन बात कर चुके हैं कितना होने वाला है कैटेगरी वाइज। बट ये चीज़ हमको जानना चाहिए कि एमबीबीएस जो है, दिस इज़ अ डिग्री कोर्स, राइट? और डिग्री कोर्स है ये, और ये ऑन अराउंड 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, 5.5 साल का, जिसके अंदर 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूड होता है। तो 4.5 साल प्लस 1 साल, मतलब 5.5 साल का पूरा कोर्स है। और इसके अंदर होता ये है कि जो टॉप मार्क्स लेके आते हैं, 720 नंबर का जो अपना पेपर हुआ था, वी आर अवेयर ऑफ, उसमें से अराउंड कैटेगरी वाइज डिफर कर सकता है, लेकिन नियर बाई 550 और 600 के बीच, मतलब 600 से ऊपर आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 550 मिनिमम मार्क्स लेके आते हैं, उनके कुछ चांस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस होने का। और बाकी बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, और उनमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसे कि हर साल एनटी निकालता है कि क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, कभी 720 में से 117 भी होता है, 120 भी हो सकता है। जनरल कैटेगरी वाइज हर सेक्शन का कट ऑफ मार्क्स निकाला जाता है। तो एमबीबीएस की बात करें तो दिस इज़ अ 5.5 ईयर कोर्स, और नीट का एग्ज़ाम दिया होगा बच्चों। और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका काफ़ी इकोनॉमिकल है, इजीली अफोर्डेबल है। टॉकिंग अबाउट राजस्थान का एसएमएस कॉलेज जो है, उसका ईयरली फीस जो है 50,000 से भी कम है। इसी पे बात करें अपन प्राइवेट कॉलेजेस की, लाइक महात्मा गांधी कॉलेज है अपने राजस्थान में, उसकी जो फीस स्ट्रक्चर अराउंड 15 लाख पर ईयर फीस है बच्चों। कितना है? 15 लाख प्रति वर्ष। तो 15 लाख अपन जोड़ते हैं तो अराउंड दिस इज 60 लाख, और प्लस उसका आधा 7.5, 70 लाख, 80 लाख करीब फीस स्ट्रक्चर है एवरेज किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और दिस इज़ ए वेरी गुड करियर, लुक्रेटिव करियर, डॉक्टर बनने का जिनको सपना है, जिन्होंने मेहनत किया है, काफ़ी मेहनत किया है, वो देखें ऑलवेज इसको गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। जिन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है बट दे हैव मनी, जिनके पास पैसा है, वो भी मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इंडिया में बात करें, एवरेज किसी भी प्राइवेट कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 70-80 लाख रुपये मिनिमम पड़ जाता है। कहाँ का? इंडिया का, एमबीबीएस का। आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट BDS, जो BDS का मैंने कल बात किया था अपने लेक्चर में, BDS का जो फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है, लेकिन काफ़ी कम है MBBS के बजाय। MBBS BDS का जो फीस स्ट्रक्चर है अराउंड पर ईयर 2 लाख से लेकर 7 लाख तक है। मैंने कल बताया भी था कि क्लब डेंटल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है 1,80,000 पर ईयर है, और मणिपाल का 7 लाख पर ईयर है। तो 7 चौक 28 लाख, तो और इधर 2 से करें तो 8 लाख से लेकर 28 लाख तक फीस स्ट्रक्चर हो सकता है डेंटल कॉलेज का। लेकिन प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हैं, जो MBBS कराते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर अराउंड हॉस्टल और अपन एक्सपेंस जोड़ दें तो 70-80 लाख से कम नहीं होता। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन और भी हैं बच्चों की, इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता दी है जहाँ पर आप रिकॉग्नाइज करता है, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर हम MBBS कर सकते हैं। रशिया है ना, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ से हम MBBS कर सकते हैं, नेपाल से कर सकते हैं। वहाँ का एवरेज फीस स्ट्रक्चर अराउंड 25-35 लाख पड़ जाता है।
25 से 35 लाख का खर्चा आता है दोनों मिला के, मतलब रहना खाना पीना मिला के अराउंड 25 से 35 लाख या 40 लाख में पूरा हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया में जितना खर्चा आता है उसका आधा है, आधे से भी कम अपन बोल सकते हैं। लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी देखा होगा, आपने यूक्रेन से भी MBBS करने गए थे और उन वो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, वार होने की वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो करियर है अधजूल में फंसा हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। कुछ गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और उनको कोर्स कराएंगे, कुछ राजी नहीं है। सो अल्टीमेटली वी हैव टू डिसाइड, हमको ही डिसाइड करना है कि हमको कैसे करना है, हमने कितना स्कोर किया है। लाइक 2023 में हमारा पहला अटैम्प्ट था, तो हमारे कितने कट ऑफ आ रहे हैं, कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, मैं पहला अटैम्प्ट था या दूसरा अटैम्प्ट था या तीसरा अटैम्प्ट था, मुझे और ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कितना आर्स बैठ सकता हूँ। अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड, यू आर द बेस्ट जज, यू नो, मतलब एनी वन कैन कम एंड से एनीथिंग, लेकिन बच्चों आपको डिसाइड करना है कि आप कितना गिविन कर सकते हैं, कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन गो फॉर, यू कैन डिसाइड एंड यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स, मतलब दे आर द बेस्ट, दे आर गोइंग टू गिव द बेस्ट एडवाइस, वो आपको सबसे अच्छा एडवाइस देने वाले हैं। तो MBBS के बारे में ऐसा नहीं कि MBBS अपन एंट्री ले लें और हो जाएगा, MBBS की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है, अपना टेम्परामेंट भी होना चाहिए, नहीं कि अपने मिनिमम जैसे कि 170 मार्क्स ले लिया आपने राजस्थान में NIMS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है NIMS, वहाँ पर तो काफ़ी कम नंबर में भी NRI कोटे में या प्राइवेट कॉलेज में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, बट आपको पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, बिकॉज इट्स ए वेरी टफ जॉब, इसमें कोई टाइम नहीं है, कोई इतना गेम में इतना घंटा ही करना, इतना घंटा करना, आपका रिग्रेस स्टडीज है 5.5 years के लिए, आपको पूरा गिव इन करना हो, जब भी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और 5.5 years के बाद आप उस, यू कैन गो फॉर दिस इज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे अपन 20 से 30 साल का होता है ना बच्चों, BDS मैंने बताया था वो अराउंड 5 years का होता है, उसी तरीके से 5.5 years में आप UG करते हैं, उसके बाद आप PG कर सकते हैं, PG में MD होता है, फिर DM होता है, उसके लिए बताने के लिए आई विल टेक सेपरेट लेक्चर, जिसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊँगा कौन कौन से कोर्सेज में PG हो सकता है और कैसे कर सकते हैं। तो राइट नाउ टू सम अप, MBBS इज़ ए वेरी गुड कोर्स, लुक्रेटिव करियर और काफ़ी ऐसा पैसा है जो कि लोग किसी को याद करते हैं तो भगवान के बाद डॉक्टर को याद करते हैं, कहते हैं ना बस आप ही सर्वे सर्वा, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन, भगवान को अपन प्रे करते हैं और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं और डॉक्टर जो है वो अपनी, तो डॉक्टर ऐसा नहीं है, दिस इज़ ए वेरी हम्बल जॉब करियर, ऑल्सो हम्बल करियर है, आप लोगों की दुआएं लेते हैं, अच्छा करते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो मुझे आई एम क्वाइट क्लियर कि आप लोगों को MBBS के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बच्चों के क्या करना चाहिए, अपने को इंडिया से करना है, प्राइवेट से करना है या विदेश से करना है, अपने को काफ़ी ध्यान से कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वी नीड टू पॉन्डर एंड थिंक ट्वाइस एंड देन गो अहेड। आई एम सो यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।